हम लोग बौद्ध धर्म लिख रहे थे ना, कल हमने शायद आपको लिखवाया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पांच ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है ना। उसके आगे लिखिए, जहां पूर्ण विराम लगाए हैं उसी में आगे लिखिए, पांचों ब्राह्मण सन्यासी, पांचों ब्राह्मण सन्यासी बुद्ध के शिष्य बन गए। पांचों का नाम लिखना है, कोई महत्वपूर्ण तो नहीं है आज तक कभी ना लिखवा दें। लिखो नंबर एक, कौंडिन्य। नहीं, आज आसिज, वप, भादीय, नाम भी टेढ़े हैं। कौंडिन्य, अज, असिज, वप, कौंड, भादीय। हाँ, व आधा प पूरा प, वप, भादीय हो गया। अगला फैक्ट, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया। सारनाथ में वह व्यतीत किया। ठीक है, अगला फैक्ट, बुद्ध ने अपने प्रचार का केंद्र मगध को बनाया। प्रचार का केंद्र, सेंटर, मगध को बनाया। अगला फैक्ट, बुद्ध अपना उपदेश जन सामान्य की भाषा पाली भाषा में देते थे। पाली, बिहार के क्षेत्रों में अब भी चलती है, हाँ कुछ लोग बोलते हैं। अगला फैक्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल राज्य की राजधानी, कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती,
अगला फैक्ट, बुद्ध के परम शिष्य आनंद थे, जो उनके चचेरे भाई थे। अगला फैक्ट, मगध के शासक राजा बिंबिसार ने राजगृह में बेलुबन बिहार बनवाकर बुद्ध को दान में दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बेलुबन बिहार कहाँ है? राजगृह में है। किसने दान में दिया था? बिंबिसार ने। बिहार किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षु जहां निवास करते थे, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बौद्ध विहार कहा जाता है। अगला फैक्ट, प्रसिद्ध व्यापारी अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में जेत वन बिहार बनवाकर बुद्ध को दान में दिया। अगला फैक्ट पूछा जाता है, जेतवन विहार कहाँ है? किसने दान में दिया था? अगला फैक्ट, एक अन्य व्यापारी कन्या विशाखा ने श्रावस्ती में पूर्वाराम बिहार बनवाकर दान में दिया। अगला फैक्ट, राजा उदयन वत्स नरेश, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, हाँ, राजा उदयन ने
कौशाम्बी में घोसीताराम विहार बनवाकर बुद्ध को दान में दिया। अगला फैक्ट, कुख्यात हत्यारा तथा डाकू, कुख्यात बदनाम हत्यारा तथा डाकू अंगुलीमाल श्रावस्ती में बुद्ध का शिष्य बना, बुद्ध का शिष्य बना। अगला फैक्ट, ज्ञान प्राप्त के आठवें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के आठवें वर्ष बुद्ध वैशाली पहुंचे वैशाली में अपने परम शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थीं। प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, अगला फैक्ट, बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष अपने शिष्य चुंद सोनार के घर पावा, पावा मीन्स देवरिया, देवरिया जिला जानते हो ना, पहुंचे जहां
शुकर माधव, शुकर माधव नामक भोज्य सामग्री ग्रहण करने के कारण बुद्ध को अतिसार रोग हो गया। अतिसार मीन्स डिहाइड्रेशन, अतिसार रोग हो गया। अगला फैक्ट, पावा से बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर जिला है ना, हाँ अच्छी बात है, कुशीनगर पहुंचे। अगला फैक्ट, बुद्ध ने अंतिम बार सुभद्र नामक व्यक्ति को बौद्ध संघ में शामिल किया। अगला फैक्ट, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपने परम शिष्य आनंद को दिया। अगला फैक्ट, बुद्ध ने कुशीनगर में अस्सी वर्ष की अवस्था में चार सौ तिरासी ईसा पूर्व में अपना प्राण त्यागा, अपना प्राण त्यागा, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट, बौद्धों का सर्व प्रमुख त्योहार बुद्ध पूर्णिमा अथवा
बैसाख पूर्णिमा है, क्योंकि इसी तिथि को बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु हुई थी। एक ही तिथि को जन्म लिया तब भी वैशाख पूर्णिमा, निर्वाण की प्राप्ति हुई तब भी वैशाख पूर्णिमा, मृत्यु हुई तब भी वैशाख पूर्णिमा, इसलिए यही एकमात्र बुद्धों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। देखिए आप लोग जब पुटकी पुटका पढ़ते हो, ये प्रश्न पूछा जाता है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो उसमें आप लोगों को मिलता है सुभद्र। पढ़िएगा लूसेंट पूसेंट जो भी किताबें हैं, गलत लिखा है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपने परम शिष्य आनंद को दिया था। किसे अंतिम बार बौद्ध संघ में शामिल किया था? वो सुभद्र है ना। दरअसल जब बुद्ध की मृत्यु निकट नजदीक देखा, आनंद उनके परम शिष्य थे, हमेशा उनकी सेवा में रहते थे, उनका पैर दबा रहे थे, तो उनसे पूछा कि आपके पश्चात हमारा नेतृत्व कौन करेगा। उनके मन में था शायद कह दें कि हमारे उत्तराधिकारी आप होंगे, यानी आप नेतृत्व करेंगे। बुद्ध ने कहा, हे आनंद, हमारी मृत्यु के पश्चात कोई व्यक्ति विशेष आपका नेतृत्व नहीं करेगा। हमारे द्वारा दिए गए उपदेश, हमारे द्वारा दी गई शिक्षाएं, हमारे द्वारा बनाए गए नियम ही आपके पथ प्रदर्शक होंगे, वही आपका नेतृत्व करेंगे, है ना। क्या चीज काहे कोई चलाएगा, नियमों ने चलाया। बुद्ध के उपदेशों, शिक्षाओं, उनके बनाए द्वारा बनाए गए नियमों, उन्हीं से बौद्ध संघ आगे बढ़ा। कोई व्यक्ति विशेष उसका नेतृत्व करने वाला नहीं था। ऐसा ज्ञान ठीक है, मूल ज्ञान है अपने आप को जान लेना, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, यह जन्म किस प्रयोजन के लिए है, यह जगत वास्तव में क्या है, नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले भी लोग मोह माया में फंसे रहते थे, आज भी मोह माया में फंसे रहते हैं, पहले भी ज्ञान की खोज में रहते थे, आज भी ज्ञान की खोज में रत बहुत सारे लोग हैं। ये सृष्टि उन्हीं पर आश्रित है, इसीलिए चल रही है ना। आज भी बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो सतत ज्ञान की खोज में ही लगे। उन्हें मोह माया दुनिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के रूप में APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने क्या किया अपने लिए? कुछ तो न किया। जो कुछ किया ज्ञान की खोज में अपने आप को अर्पित कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखिए, अपने लिए क्या किया, सिर्फ ज्ञान की खोज किया,
महात्मा गांधी ने क्या किया? सिर्फ ज्ञान की खोज किया, अपने आप को पूरी दुनिया पूरी मानवता को अर्पित कर दिया, है ना? ऐसा नहीं है। ये तो भौतिक ज्ञान के लोग हैं, ऐसे ही हमारे ढेर सारे मनीषी साधु संत आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भी लगातार लगे हैं, है ना? और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम आप चलकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हाँ, क्या था आपका? कैसे ज्ञान प्राप्त करते थे? ज्ञान प्राप्ति का जो पहला चरण है वो ये, तन और मन दोनों पवित्र करो। मन ही सब कुछ करता है, मन को एकाग्रचित करो और उसके पश्चात इस जगत के विषय में, इस जीवन के विषय में, आत्मा के विषय में चिंतन करो। एकाग्रचितता सबसे बड़ी बात है। अब लोग उस ध्यान की अवस्था में रहते हुए अपने आप को पहचान लेते हैं। ये बताने की विषय वस्तु नहीं है, अनुभव की विषय वस्तु है। जो अनुभव करेगा वही उस ज्ञान को समझेगा। बताने से वह ज्ञान बताया नहीं जा सकता। कहा गया है वह अनिर्वचनीय होता है। उसके लिए शब्द नहीं है कि जिन शब्दों में हम उसकी अभिव्यक्ति कर सके। स्वानुभूति का विषय है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वही उसका अनुभव कर सकता है, अन्यों को बता नहीं सकता, है ना? सबसे बड़ी बात है एकाग्र चित्तता, चित्त की एकाग्रता। चित्त एकाग्र जिसका जितने वर्षों में हो जाए, अगर चित्त एकाग्र हो गया तो उसमें अनंत शक्ति है, अनंत प्रकाश है। वो तीनों कालों का दृष्टा हो जाता है, वो सब कुछ जान लेता है। चित्त में बड़ी शक्ति है। अब चित्त की शक्ति को जिसने पहचाना, जिस अंश तक पहचाना, भाई महात्मा गांधी सिंगल प्लाई के व्यक्ति, अर्धनग्न अवस्था में रहने वाले व्यक्ति, न कोई औजार ना हथियार, एक ठू लाठी लेके टुकुर टुकुर चलने वाले व्यक्ति, लंदन पहुंचे तो लंदन हिल गया। वे लंदन वासी उनको टुकी लगा के देख रहे थे कि ये बुड्ढा आज क्या कयामत करेगा, भगवान नहीं जाने। उन्होंने अपने चित्त की शक्ति को पहचान लिया था कि मैं क्या नहीं कर सकता, है ना? तो ये मानव की अपनी अनंत शक्ति है, सब उसकी पहचान नहीं कर सकते। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ किया ठीक किया, हमें कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं। जब मैं एनालिसिस करता हूँ, उनके कार्यों की समीक्षा करता हूँ, तो हमें दिखता नहीं कि उन्होंने किया क्या। जिसको दिखता हो करे। उनका प्रचार प्रसार तो हमें ऐसा लगता है एक षड्यंत्र के तहत ईसाई मिशनरीज ने उसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया और उन्हें जमीन से आसमान में पहुंचा दिया। उसने के हकदार होते नहीं। आप ही देख लो कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन है, क्या किए थे लोग देखें, हम नहीं जानते। राष्ट्रीय आंदोलन उस समय था, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या भूमिका है, समाज सुधार में ऐसा क्या कर दिया, क्या किए, हम नहीं जानते। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो सनातन परंपरा के विपरीत है। जैसा मेरा अपना एनालिसिस है, या मेरा नहीं, बड़े बड़े इतिहासकारों का ये एनालिसिस है। देखो, अगर कोई व्यक्ति विदेशों में जाकर विधर्मियों के मध्य, जो आपका धर्म है, विधर्मियों के मध्य जाकर अपने धर्म और संस्कृति को गालियां दे, तो उसे लोग बड़े प्यार से स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं, ये यही कर रहे थे, यही किए।
विदेशों में जाकर इन्होंने सनातन संस्कृति का क्या गौरव बढ़ाया, क्या मान बढ़ाया, इन्होंने तो सिर्फ उसे क्रिटिसाइज किया। ईसाइयों की मिशनरी प्रणाली को एडॉप्ट किया और क्या किया, है ना। ये कहां की मान्यता है कि मैं चाहता हूं कि कुछ वर्षों के लिए वेद कुरान बाइबल विश्राम करें, तुम्हारे कहने से विश्राम करेंगी। वेद विश्राम की विषय वस्तु है, वेद ही जीवन है, वेद ही सृष्टि है, वेद से ही सृष्टि संचालित है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान विश्राम करेगा। बड़े ज्ञानी हुए हो ठीक है, जो कुछ है अच्छा है, समय है। स्वामी जी बड़े आदमी थे, बहुत कुछ किए, अच्छी बात है ना। उनसे संघर्ष आप सीखिए कि जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है। उनका जीवन संघर्ष की प्रेरणा आपको देता है। खैर चलो, इसके चक्कर में ना। डालेंगे, है ना। हमने इतिहास का बहुत अध्ययन किया है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, लोगों की समीक्षा मेरे पास है, और भी तर्कता है, हमने देखा है, पढ़ा है, समझा है। हिस्ट्री से अच्छा इस दुनिया का कोई विषय ही नहीं है। बस जिसे हिस्ट्री की समझ हो जाए, उसे उस स्वरूप में देखना तो चाहे, यदि उसे एक विषय के रूप में आप देखेंगे तो बेकार है। अच्छा चलो, अगला फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है, उसे देखो। आज नहीं, जब 1857 आएगा तब, अभी उसमें महीने भर बाद होगा। चलो लिखो। ना 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 ना, अभी नहीं, हमें विषयांतर मत करो, विषयांतर मत करो। पर्सनल पूछ सकते हो, पर्सनल बता दूंगा, क्लास में नहीं। क्या बोले थे, अगला फैक्ट लिखो, अगला फैक्ट। हाँ, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं तथा उनके प्रतीक, प्रतीक मीन्स चिन्ह, उनके प्रतीक निम्नलिखित हैं। दो कालम बनाओगे, करीब 5 घटना लिखवाऊंगा। घटना, प्रतीक, ये बौद्धों के लिए है ना, बौद्ध ऐसा कहते हैं। तो पहली घटना, मां के गर्भ में आना, मां के गर्भ में आना। ठीक है, इसका प्रतीक है एलिफेंट यानी हाथी। बौद्ध कहते हैं कि जब बुद्ध अपनी मां के गर्भ में आए तो उनकी मां को लगा जैसे मेरे पेट में कोई हाथी प्रवेश कर गया हो, है ना। जन्म, बुद्ध का जब जन्म हुआ तो बौद्ध उसे किस प्रतीक से, कमल और सांड, इन दोनों प्रतीक से दिखाते हैं, बताते हैं। अगर किसी बौद्ध स्थल पर कमल का फूल बना हो या सांड बना हो तो आप मानिएगा कि ये बुद्ध के जन्म की घटना को वर्णित कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण घटना है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जानते हो ना, गृह त्याग, घोड़ा, निर्वाण,
निर्वाण मीन्स ज्ञान की प्राप्ति, इसका प्रतीक है बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब प्रथम उपदेश, इसका प्रतीक है पद चिन्ह। और अंतिम है महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु, इसका प्रतीक है अस्तूप। बौद्ध अस्तूप सुने हैं? जैसे अपने हिंदुओं में समाधि स्थल होता है, जहां किसी को दफनाया जाता है उसे समाधि स्थल कहते हैं। बौद्ध धर्म में जहां किसी महापुरुष से संबंधित कोई अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं, दफन किए जाते हैं, उसे अस्तूप कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो कब्र कहते हैं। हाँ, कब्र। ठीक, ये हो गया भैया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सनातन परंपरा में यदि आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में सभी रीतियां प्रचलित हैं। अंतिम संस्कार की सभी रीतियां प्रचलित हैं। दाह संस्कार यानी अग्नि के माध्यम से संपूर्ण शरीर को जला देना, दाह संस्कार। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, पूरे शरीर को मिट्टी में जमीन के नीचे दफना देना, पूर्ण समाधिकरण, ये भी परंपरा है। आंशिक समाधिकरण, मृत शरीर को जंगल में पशु पक्षियों के लिए जो मांसाहारी हैं उनके भक्षण के लिए छोड़ दिया जाए, अस्थि अवशेषों को कलेक्ट करके भू समाधि दे दिया जाए, ये आंशिक समाधिकरण है। जल समाधि, शरीर को जल में प्रवाहित कर देना, किसी पत्थर आदि जैसे। ऋषि मुनि इसलिए जो दंडी सन्यासी होते हैं, दंडी सन्यासी देखा है, जो दंड लेकर ऐसे चलते हैं अपने कंधे पर, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, दंडी सन्यासी अपने जीवन काल में अग्नि का त्याग कर देते हैं, अग्नि का त्याग कर देते हैं। ठीक है, वो अग्नि को स्पर्श नहीं करते। भोजन अगर कोई बना के दे दिया तो ग्रहण करेंगे, अदरवाइज स्वतः भोजन नहीं बनाएंगे। यज्ञ में आहुतियां स्वतः नहीं दे सकते, ईश्वर को दीप धूप नहीं कर सकते, वो ज्ञान मार्गी होते हैं, इनमें नहीं पढ़ते, वो चिंतन धारा से जुड़े हुए लोग हैं, अध्ययन के लोग हैं, मन के लोग हैं, है ना। तो अब जिसने अपने जीवन काल में ही अग्नि का त्याग कर दिया हो, उसका दाह संस्कार कैसे होगा? या तो भू समाधि दी जाएगी या तो जल समाधि दी जाएगी। चलो, अभी बहुत कुछ है, इसमें न फंसो आप लोग, हेडिंग डालिए बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति नाम सुने हो? बौद्ध संगीत, ठीक है, चार बौद्ध संगीतियां हुई हैं। हम जैसे लिखें वैसे आप कॉपी करें, पहले हेडिंग डालें प्रथम बौद्ध संगीत। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगीत, समय
यानी काबू हुई थी। ठीक है, लगभग 483 ईसा पूर्व स्थान कहाँ हुई थी? राजगृह की सप्तपाणी गुफा में, सप्तपाणी गुफा। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सप्तपाणी गुफा कहाँ है? राजगृह में है। ठीक है, इसका अध्यक्ष महाकश्यप संरक्षक राजा अजात शत्रु ये हर्यंक वंश के राजा थे। किस वंश के? हर्यंक वंश के राजा थे। देखिए इतना प्रमुख कार्य, लिखिए प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य के सामने लिखिए बौद्ध धर्म से संबंधित दो साहित्यों का संकलन किया गया, दो साहित्यों का संकलन किया गया। नंबर एक हेडिंग के रूप में सुत्त पिटक, सुत्त पिटक लिखिए, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। ठीक है, नंबर दो विनय पिटक, विनय पिटक में बौद्ध संघ से संबंधित नियमों को संकलित किया गया है। बात समझ में आई? हाँ समझ में आई। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, कहाँ हुई, अध्यक्ष कौन था, संरक्षक राजा कौन था, प्रमुख कार्य क्या हुआ? क्लियर? हेडिंग डालिए द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। समय लगभग 383 ईसा पूर्व, स्थान
वैशाली अध्यक्ष शाबक मीर सब एक है, सबा कामी शाबक मीर सब एक हैं। संरथक राजा काला शोक ये शिशुनाग वंश का राजा था, शिशुनाग वंश का राजा था। परिणाम 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 के सामने लिखिए, बौद्ध संघ के लोग दो विचारधारा में विभाजित हो गए। दो विचारधारा में विभाजित हो गए। नंबर एक, अस्थविर विचारधारा, नंबर दो, महासांघिक विचारधारा। अस्थविर विचारधारा, महासांघिक विचारधारा, देखो इसे समझ लीजिए, लिख लिए। जिनका मानना है कि बुद्ध द्वारा बनाए गए नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्होंने जैसा नियम बनाया है उसी को हमें फॉलो करना चाहिए, यानी नो चेंज। अस्थविर विचारधारा, महासांघिक ऐसी विचारधारा है जो कहती है, प्रगतिशील है, कि बुद्ध ने जो नियम कानून बनाया था वह उस कालखंड में औचित्य परक था। समय के साथ साथ नियमों में बदलाव आवश्यक होता है ना? ऐसा जो विचारधारा है वो महासांघिक विचारधारा है, और सही भी है, क्योंकि आपका संविधान बना, आवश्यकता अनुसार आप कितना संशोधन कर दिया गया, तो व्यवस्था प्रगतिशील होनी चाहिए। तृतीय बौद्ध संगीति हेडिंग, तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, समय लगभग 251 ईसा पूर्व, कहीं 50 भी आपको मिल सकता है, कहीं 51 मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलिपुत तिस, नोट करिए, देखे मोगलिपुत तिस, संरक्षक राजा अशोक महान मौर्य वंश के राजा हैं। प्रमुख कार्य, बोले
प्रमुख कार्य बोलूं, बौद्ध धर्म से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण साहित्य अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। पूर्ण विराम उसी में आगे, अभिधम्म पिटक में बौद्धों के दार्शनिक सिद्धांतों को संकलित किया गया है। हेडिंग डालिए चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत समय अस्सी इक्यासी ईस्वी, अस्सी या इक्यासी ईस्वी, स्थान कुंडलबन कश्मीर में है, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, संरक्षक राजा, कनिष्क प्रथम, ये कुषाण वंश के राजा थे। समय अस्सी इक्यासी ईस्वी, स्थान कुंडलबन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, संरक्षक राजा कनिष्क प्रथम। परिणाम, परिणाम, परिणाम लिखाऊंगा कल क्योंकि लंबा परिणाम है ना। चलो थैंक यू।